बिना लाइसेंस का कट्टा और अवैध शराब, अवैध शस्त्र रखने वालों पर होगी कार्यवाही। आगामी लोकसभा चुनाव तथा धार्मिक पर्व को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री गुरु करा सिंह के आदेश अनुसार अति पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी से निर्देश प्राप्त कर SDOP अर्जुन उई के मार्गदर्शन में अवैध शराब, अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ की धरपकड़ हेतु थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अमित विलास दानी, अनिल तिवारी प्रभारी आरक्षक 179, रंजीत पटेल आरक्षक, आशीष संजय पांडे, करण पटेल की टीम गठित की गई। आगामी लोकसभा चुनाव और धार्मिक त्योहारों को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय नरसिंहपुर द्वारा अवैध शस्त्र, जुआ छट्टा शराब, अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु थाना प्रभारी कोतवाली से अमित दांगी को निर्देश दिए थे। इस निर्देशों के तामिली में थाना प्रभारी द्वारा एक टीम गठित की गई थी कि दिनांक 3/3/19 को शाम 7:30 बजे करीब वाहन चेकिंग इनके द्वारा खैरी नाका के पास की जा रही थी। उसी दौरान उनके ड्राइवर द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जो है पूर्वे तिराहे के पास, कट्टा नाला के पास जो पूर्वे तिराहा है, वहाँ पर एक कट्टा जो है लेकर के लोगों को धरा ढमका रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी अमित दांगी द्वारा मौके पर जाकर उसको पकड़ा, जिसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस 12 बोर का उसमें जब्त किया गया है, जो थाना ला करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें 151 धारा 25-27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर उसके गिरफ्तार किया गया है। इसी दौरान रात्रि 11:30 बजे के दरमियान जो टीम अनिल तिवारी द्वारा अपनी टीम को लेकर के अपराधियों के धरपकड़ के भ्रमण पर थे, इसी दौरान उनको एक सूचना प्राप्त हुई कि झरना रोड पर ये करबला के पास को एक व्यक्ति जो है अवैध हथियार लिए घूम रहा है और लोगों को डरा धमकाने की, लूट करने की फिराक से वहां पर है। इस सूचना पर हम SI NL और अपने स्टाफ के साथ जा कर के उसको पकड़ा है, जिसके पास एक माउजर मिला और माउजर के अंदर जब देखा गया तो उसकी मैगजीन पर एक कारतूस पाई गई है और जो चालू हालत में हैं दोनों अपराधी शातिर हैं, दोनों अलग अलग रहने वाले हैं। पहला अपराधी जो है प्रदीप राजपूत गाडरवाड़ा का है और दूसरा सुमित सोनी, ये चिचली किशोनी मोहल्ला का रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार करके उनका रिमांड लिया गया है और थाना प्रभारी द्वारा और उनकी टीम के द्वारा जो बहुत सराहनीय कार्य किया गया है, इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उन्हें नगद इनाम और प्रशंसा पत्र दिए जाने की घोषणा की गई है और हमारी सभी अनुभाग की सभी टीमें इस कार्य में अभी और भी ऐसे अपराधियों को पकड़े जाने की पूरी और भी संभावना है और हम लोग काफ़ी शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हर तरह प्रयास कर रहे हैं और भी बदमाशों को